मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं 9th क्लास का पहला चैप्टर बना रही हूँ। ये आपकी SST का पहला चैप्टर है, क्योंकि अब आप लोग 9th क्लास में आ गए हैं तब आपकी SST की बुक्स जो है वो 4 हो गई हैं। 8th क्लास तक आपकी 3 बुक्स थी SST की, और अब कितनी हो गई हैं, अब आपकी 4 हो गई हैं, जिसमें आप जानते हैं आपका हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी 3 तो थी, है ना। एक इतिहास की थी, दूसरी आपकी लोकतांत्रिक जीवन था, और तीसरा आपका भूगोल था, ठीक है। अब जो आपकी चौथी बुक ऐड हुई है वो है आपकी अर्थशास्त्र की, यानी इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें कोई बहुत भारी नहीं है, बहुत छोटी सी बुक है। उसमें 4 या 5 लेसन हैं, तो 4 लेसन हैं, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। मैथ्स भी बताऊँगी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, और साइंस SST सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी। और साथ ही साथ मैं आपको आंसर्स वगैरह भी लिख के बताऊँगी। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो देखिए, मैं आपको बताऊं हमारी वीडियो का पैटर्न क्या रहेगा। हर बार की तरह जैसे मैं 6 to 8 क्लास तक अभी बना रही थी, उसी की तरह मैं 9th का भी पैटर्न यही रखूंगी। पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको अच्छे से डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। साथ ही आंसर्स मैं आपको लिख के बताऊंगी कि अगर आप लोग कॉपी में नोट डाउन करना चाहें या लर्न करना चाहें तो आसानी से कर लें। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो या क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है भारत आकार और स्थिति, ठीक है। तो भारत माने हमारा देश। इससे पहले जब हमने 6th, 7th और 8th में पढ़ाया, तो हम जान चुके हैं कि कितने देश हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड में, और इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। तो एक तरह से ये जो आपका चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ रिविज़न के तौर पर है, इसमें हम कुछ भी नया नहीं सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आपने 6 to 8 क्लास तक पढ़ाई नहीं की है, जैसा कि माहौल भी है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ना अच्छी कोचिंग्स मिल पा रही हैं, तो आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आपको पुराना भी रिवाइज़ हो जाएगा और इसके बारे में भी अच्छा पता चल जाएगा। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो विश्व में सबसे पुराना देश माना जाता है। मतलब सबसे पुराने का मतलब ये है कि इसमें यहाँ पे जो संस्कृति है, जो यहाँ की वेशभूषा है, जो यहाँ की चीज़ें हैं, वो विश्व में थोड़ी सी अलग हैं, है ना। इसके अलावा भारत, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ग़ुलाम रह चुका है काफ़ी वर्ष तक, उसके बाद भाई जब किसी की हम ग़ुलामी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ से चली जाती हैं, उसके बावजूद हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, है ना। पहले ज़माने में आप देखें कृषि कैसे होती थी, किसान बेचारे लगे हुए हैं, नहीं हो पा रहा है काम, है ना। लेकिन अब क्या है, देखिए ट्रैक्टर आ गए, पानी को पहले सिंचाई के लिए कुएं से निकालना है या कोल्हू लगाया जाता था वो जो होता था, तो ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्या है, अब ट्यूबवेल चलाया, यानी सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाया और पानी अपने आप आ गया, है ना। तो क्या है, ये सारी चीज़ें तरक्की ही तो हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वही आपको डिस्कस किया गया है। आगे चलते हैं, तो देखिए आगे आपको बताया गया हमारे भारत की स्थिति। तो जैसा कि हम लोग पिछले जो क्लासेज हैं उसमें पढ़ चुके हैं, अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें हमने जाना था कि जो ऐसी खड़ी खड़ी रेखाएं आपको पृथ्वी पर दिखती हैं, पहली बात यह ध्यान रखिए ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कोई रियल में नहीं है, ठीक है। इनको हम देशांतर बोलते हैं, और जो ऐसी आपको लेटी लेटी रेखाएं दिख रही हैं ये सारी आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये हमारे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं ये सारे हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट में ये आपका अटलांटिक है। यहाँ पर बर्फ़ है, यहाँ पर कोई जीवन नहीं है, ठीक है। तो मेनली ये जो 6 आपके महाद्वीप हैं इसमें ही आपको जीवन मिलेगा। अब हमारे भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो ये आपका नीला नीला पोषण दिख रहा है ये सारा आपका समंदर है, जिसमें आपको बताया गया कि ये प्रशांत महासागर है, है ना, ये आर्कटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके सागर हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि आपको ये बताना है कि हमारा जो भारत है उसकी अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग क्या स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ आपको बता दिया गया है कि ये 88
4 डिग्री 4 है ना, उत्तर से 37 डिग्री 6 तक जो है ये अक्षांश में फैला हुआ है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये 0 है ना, 0 से ये देखिए 8 से लगभग शुरू है और ये देखिए 34 तक लगभग गया है, सॉरी 37 तक। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अक्षांश में स्थिति। अगर हम बात करें देशांतर में स्थिति, तो आपको यहाँ देखिए बताया गया है कि देशांतर में ये 97.25 से लेके 23 तक है, 97 ये देखिए यहाँ लेके 68 से लेके 97 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारे ये है, ये देखिए ये लगे रहे, तो ये देखिए 60 है, तो ये 67 से लगभग शुरू हुआ और ये हमारा 97 पे ख़त्म है। तो ये देखिए ये ऐसे करके आप यहाँ से हिसाब लगाइए, तो ये देखिए 97 पे लगभग ख़त्म है। ठीक है, क्योंकि 120 है ना ये, तो अगर हम इसे जूम करके देखेंगे ना जब अच्छे से मैप पे, तब हमें और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि पृथ्वी पर एक कल्पित रेखा ऐसी है जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि नीचे वाले हिस्से को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो ये रेखा थी जिसने इसको दो बराबर भागों में बांटा, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि यहाँ पे 23.5 पे एक रेखा है उत्तर में, जो आपकी कहलाती है कर्क रेखा, जो कि हमारे भारत को भी लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा 23.5 दक्षिण में भी एक रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, उत्तर में जो है वो कर्क और दक्षिण में जो है वो मकर, जैसा कि यहाँ आपको लिखा हुआ भी मिल गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि ये दो बराबर भागों में बांटती है हमारे देश को। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको आकार के बारे में बताएं, तो आकार को कहते हैं कि यहाँ का जो भूभाग का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ बताते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है, अगर विश्व का कुल क्षेत्रफल 100% माना जाए तो 2.4% जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर आता है, जैसा कि आपने देख लिया। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की गई हैं, आप लोग इसको पढ़ेंगे खुद से, और कोई अगर चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं। बात करते हैं भारत तथा विश्व की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत है वो विश्व में किस जगह पे स्थित है, ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है ना, किस तरफ है ये थोड़ा सा आपका एशिया महाद्वीप को अगर देखें तो उसके दक्षिण में ये स्थित है ना, अगर हम सिर्फ एशिया महाद्वीप की बात करें, और वैसे तो ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, इसे आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये देखिए आपके ये देश दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे विश्व के जो कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं इसके बारे में दिया गया है। तो देखिए सबसे बड़ा जो है वो आपका रूस है, जो 17 उसमें फैला हुआ है स्क्वायर वर्ग में। उसके बाद जो आपका देखिए यहाँ पर है ये कैनेडा है, उसके बाद आपका ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो आपका देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना 7 बड़े देश हैं ये, तो 7वें नंबर पे आपका भारत आता है। तो इस तरह से आप इसे भी देख पा रहे होंगे। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बल्कि हम 3 कह सकते हैं, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखें, दूसरा आपका क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के जो राज्य हैं वो कितने हैं, कितने केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, किसी 5 राज्य और उनकी राजधानियों के नाम लिखें, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये होता है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अभी आएंगे तो मैं इसको डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी मैप देखा है इसलिए मैं आपको बता दूँ। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको भारत का मैप है, और ये आपको बताया गया है कि कितने वर्ग से कितने वर्ग में फैला हुआ है, ये देखिए ऐसे में भी और ऐसे में भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका थोड़ा सा विश्व को लिया गया है, पूरे भारत मतलब पूरे विश्व को नहीं लिया गया है, थोड़ा सा इर्द गिर्द का एरिया लिया गया है जो कि हमारे पड़ोसी देश के अंतर्गत भी आता है। उसके बाद देखिए ये पूरा दिखाया गया है कि किस तरह से भारत जो है अलग अलग देशों से व्यापार करता है। इतना डीप में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका रीज़न ये है कि अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, अगर आपको ज़्यादा बढ़ाऊँगी तो फिर क्या होगा, आप ओवरफ्लो हो जाएंगे, है ना, तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए जितने की ज़रूरत हो। अगर हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी हमारे दिमाग में कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है भारत के पड़ोसी देश, तो आप जानते हैं कि भारत के कुल 8 पड़ोसी देश हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है कि भारत के राज्य कितने हैं, तो यहाँ 28 राज्य लिखा है, जबकि आप लोग जानते हैं कि अब भारत में 29 राज्य हैं और 9 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है,
अब ये सब आपका हो गया। इसमें यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया गया है कि कौन कौन है। अब मैं आपको एक बार डिस्कस कर देती हूँ, अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, ये रहे भारत के पड़ोसी देश। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप एक यहाँ का फिर एक यहाँ का और एक यहाँ का करेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ हो उसे उत्तर से पढ़ना शुरू करा करिए। ये आपकी बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, चाहे वो राज्यों के नाम हो चाहे वो पड़ोसी देश हो। अब आपको पढ़ना कैसे है, देखिए पड़ोसी देश आप कैसे पढ़ेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान दो यहाँ हो गए, चीन नेपाल भूटान तीन यहाँ हो गए, ठीक है, बांग्लादेश म्यांमार दो यहाँ हो गए, तो पाँच और दो कितने हो गए, सात। और उसके बाद एक हमारा सबसे नीचे श्रीलंका। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। अगर आप एक पढ़ेंगे अफगानिस्तान, फिर पढ़ेंगे श्रीलंका, फिर पढ़ेंगे म्यांमार, फिर पढ़ेंगे पाकिस्तान, तो ऐसे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसी तरह से जब आप राज्यों का नाम याद करें तो भी हमेशा याद रखें, ऐसे ही करें, लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड, है ना, राजस्थान उत्तर प्रदेश, इस तरह से ऊपर से नीचे आए तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको दोनों चीज़ें पता चल गई। इसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के इस तरफ जो ये आपका पश्चिम का इलाका है, यहाँ पे आपका अरब सागर है और अरब सागर में आपके लक्षद्वीप स्थित है। और अगर हम बात करें जो आपका ये पूर्व वाला एरिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, याद रखिए इसको, याद रखने का तरीका ये है, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और कलकत्ता जो है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, इधर बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं और ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप इसे पढ़ लेंगे, अच्छे से डिटेल कर लेंगे इसे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएंगे, मैं आपको प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब बात करते हैं आपके अभ्यास प्रश्न की। तो अभ्यास प्रश्न में देखिए, ये आपके 5 टिक मार्क हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूरे शॉर्ट नोट्स वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके लॉन्ग नोट्स वाले हैं, जिसमें हम एक तरह से ऐसा टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये आपका मानचित्र का काम है, यानी कि मैप से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं कि SST में आपके मैप आते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मैप हमेशा जो है ज्योग्राफी के पेपर, ज्योग्राफी वाली बुक से ही आते हैं, यानी जिसे हम पढ़ रहे हैं भूगोल वाली बुक से ही, ठीक है। इसके बाद जो ये आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क है, ये अगर आपके टीचर्स कराएंगे तो आप करेंगे, अदरवाइज इसे आप स्किप कर देंगे। चलिए तो अब एक काम ये करते हैं, हम लोग इसको आंसर शीट पे देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीचे जो 4 विकल्प है उसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, ठीक है। तो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वो आपका जो है वो उड़ीसा है, ठीक है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। अगला लिखा है, भारत को सबसे पूर्व देशांतर कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा है इसका पूर्व देशांतर, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है आपका का, ठीक है, ये वाला 97.25। उसके बाद यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, ठीक है, तो ये जो है ये कौन से देश को छूती हैं इसकी सीमाएं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नेपाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके ये सारे आंसर्स दिए गए हैं, ये रहे, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं तीसरे का आंसर जो है वो गा है। गा का मतलब क्या हो गया आपका, नेपाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 4th, ठीक है, तो यहाँ लिखा है, ग्रीष्म आकाश में यदि आप जो है क्रवती जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको किस केंद्र शासित पर जाना पड़ेगा, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे आपका 4th का आंसर खा दिया गया है, तो आप लक्षद्वीप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, बताइए वो कौन सा देश हो गया। तो देखिए आपको पता है, भूटान बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों की सीमा हमारे भारत से लगती है, सिर्फ एक ताजिकिस्तान ऐसा है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती। तो यहाँ सारे आंसर्स आपको दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपका खा हो जाएगा, इसे आप टिक कर लेंगे। चलिए तो ये 5 क्वेश्चन आपके कम्प्लीट होते हैं, अब हम लोग शॉर्ट नोट्स वाले पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, यानी बहुत बड़े नहीं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखिए। तो अभी हमने आपको बताया कि अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। उसके बाद लिखा है, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, तो द्वीपीय देश किसे कहा जाता है, ऐसे देश जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हों, ठीक है। तो देखिए दक्षिण में श्रीलंका और मालदीप ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं और ये द्वीप हैं,
यानी कि ये बीच में ज़मीन है और चारों तरफ इनके पानी पानी है, समंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, तो लिखा है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्र में भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल में हमने भी आपको बताए थे 7 देश हैं कुल, उसमें से 6 जो है वो भारत से बड़े हैं, तो कौन कौन से हमने बताए थे, रूस, कैनेडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे जो है वो हमारे देश से छोटे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तर पूर्व पड़ोसी देशों के नाम लिखें। तो देखिए अब आपको मैंने अभी क्या बताया, तो सबसे पहले आपका उत्तर पश्चिम आता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये उत्तर पश्चिम हो गया। देखिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको डायरेक्शंस के बारे में मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ, ये होता है आपका उत्तर, ठीक है, ये होता है आपका दक्षिण, ठीक है, ये होता है आपका पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम, क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, जब भी हम लिखते हैं ऐसे डॉट लगा देते हैं, ठीक है, इस डॉट का मतलब होता है कि हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। इसके बाद इसकी 4 सब डायरेक्शंस और होती हैं। सब डायरेक्शंस का मतलब ये, अब यहाँ पे ये क्या है उत्तर, तो यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे भी उत्तर, यहाँ पे क्या है, यहाँ है पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व कहलाएगा, यहाँ उत्तर के साथ क्या है पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम कहलाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये भी दक्षिण और ये भी दक्षिण, यहाँ दक्षिण के साथ क्या है पूर्व, तो यहाँ दक्षिण पूर्व कहलाएगा, और यहाँ दक्षिण के साथ क्या है पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, ठीक है। तो मेन आपकी जो है वो 4 डायरेक्शन होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, और इन्हीं के साथ 4 सब डायरेक्शंस होती है, जिसमें हम उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम मान लें ये हमारा भारत है, तो देखिए इसके इधर उत्तर पश्चिम में कौन कौन से हैं, तो आपको पता है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा बताइए उत्तर में, तो ये उत्तर है, तो उत्तर में यहाँ पे आपके साथ चीन और नेपाल है, तिब्बत है, भूटान है, तो देखिए लिखा है चीन, नेपाल एवं भूटान, ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया था लास्ट में कि उत्तर पूर्वी, तो अब ये उत्तर पूर्वी हो गया ये हिस्सा पूरा, तो उत्तर पूर्वी में आपको पता है कौन कौन से, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई इसके ऊपर, अब मैं इसे रब करती हूँ, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ आपके सारे आंसर्स लिखे, देख के आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए ये मैं आपको भी मैप पे बताना भूल गई, खैर कोई बात नहीं, यहाँ से आप देख लेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे होके गुजरती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिया गया है, सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी में एक ही समय दर्शाते हैं, ये स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, समय ठीक है एक जैसा रहता है, लेकिन सूरज का उगना या जो उदय हो रहा है या वो डूब रहा है, ग़ुरूब हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके देशांतर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो क्या होता है कि जब सूरज निकलता है तो उसकी अपेक्षा, देखिए यहाँ लिखा है कि ऐसा है, देखिए यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा, तो ये क्या है, उसमें 4-4 मिनट का फ़र्क आता रहता है सूरज के उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ 4 मिनट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसे 15 अक्ष घूम गए, ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो है आपका 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अब आगे देखें, यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ है। तो अब देखिए जो हमारा भारत है, ठीक है, वो हिंद महासागर में अगर स्थित है, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि एकमात्र हिंद महासागर ऐसा है जो कि देश के नाम पर है, जिसका नाम, बाकी आपके सारे महासागर जो हैं उनके अपने अपने नाम है, किसी भी देश के ऊपर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आपका हिंद महासागर है वो व्यापार की स्थिति में भी काफ़ी आदान प्रदान रहता है, तो इसी वजह से भारत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि आसानी से व्यापार किया जा सकता है, और आप जानते हैं कि बाय एयर या बाय रोड उससे बेहतर बाय वाटर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर हम कोई व्यापार हवा के ज़रिए यानी कि हवाई जहाज़ से या ट्रेन से करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है, जबकि पानी के थ्रू जो व्यापार किया जाता है वो कम लागत में होता है, उसमें मुनाफा ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आप अगली क्लास में जाएंगे, बड़ी क्लास में पहुंचेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा लिख देंगे कि इससे फ़ायदा ये है कि व्यापार के लिए हमें आसानी होती है, सारे जो बड़े बड़े व्यापारी देश हैं उनसे हम आसानी से जुड़ सकते हैं,
ठीक है। और साथ साथ अपना जो हम व्यापार है, आपको पता है कि जो स्पाइसेस हैं यानी मसाले हैं वो हमारे भारत में होते हैं और किसी देश में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हमारा देश ही है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मसालों को सप्लाई करता है, देता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे भारत में होती हैं, जैसे सूती कपड़ा, जिसके लिए आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें कितने टाइम तक गुलाम बना के रखा है ना। तो क्या है, इससे फ़ायदा यही है कि इससे हम व्यापार अच्छे से कर पा रहे हैं। चलिए अब मैप वर्क को देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका मानचित्र कौशल है, थोड़ा ब्लर हो रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो कौन कौन से द्वीप समूह स्थित हैं आप जानते हैं अच्छे से, तो ये आपके दो हैं, अंडमान और निकोबार। तो यहाँ आप मैप में फिल कर लेंगे और साथ ही साथ ये देखिए मैंने आपको आंसर भी लिख दिए, आप यहाँ से आंसर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या लिखा है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। तो देखिए भारत का जो उपमहाद्वीप है वो किन किन देशों से मिलकर बनता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। यानी कि ये एक तरह से इनके पड़ोसी देश भी हैं। उसके बाद अगली बात करें तो लिखा है कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो आपको पता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ये सब चीज़ें आपको मैप में शो करनी है, अभी आपको लास्ट में मैप भी दिखा दूँगी। उसके बाद ये अगला लिखा है भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु क्या है, तो आप 37 लिखेंगे, 37.6, ठीक है। अगला लिखा है भारत की सबसे उत्तरी जो अक्षांश है वो क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि 8.4 है। और उसके बाद सबसे पूर्व और पश्चिम देशांतर कौन से हैं, तो अभी हमने ये भी आपको बताया था, क्षेत्रफल की बात हो रही है, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो 68.7 से लेकर 97.25 तक था। उसके बाद यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका कन्याकुमारी है। इसके बाद लिखा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जनसंधि कौन सी है, तो वो पाक जलडेमू जलसंधि है, जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा भी है, ये शायद पिछली क्लास में था, आपको नहीं पढ़ाया है आज मैंने, ये पिछली क्लास में पढ़ाया है। चलिए खैर आगे लिखा है भारत के केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के बारे में बताएं, तो आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं, उसके बाद चंडीगढ़, दादर नागर की हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और हमारा दिल्ली, ठीक है। ये सब आपके जो हैं 9 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत चलती है। यहाँ पे अपने बनाए जाते हैं, CM होते हैं, लेकिन जो इसमें मेन पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि PM की होती है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहाँ आपको ये मैप दिया गया है, फुल मैप है, इसे आप देख के पॉइंट आउट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुका है, ये आपकी किताब में मौजूद है, आप उससे कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अब उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है बेटा, लेकिन मेरा मतलब आप लोगों को अच्छे से समझाना था, क्योंकि 9th और 10th जो है वो एक ही जैसी होती है। अगर आप 9th में बेस्ड मजबूत कर लेंगे अपना, तो 10th आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपके ऊपर बोझ नहीं होगा। चलिए तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।